हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पेंट करेंगे ये वाली दीवार ताकि हम इसे एज अ ग्रीन स्क्रीन यूज कर सके। तो हम अपने कमरे में ही ग्रीन स्क्रीन खोल रहे हैं। ये होते हैं देसी जुगाड़। हाँ, तो बाकी आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला हूँ इसमें भी। मैं पिछली वीडियोस में भी अकेला था। इसका सिर्फ यही रीज़न है, मैं अकेला इसीलिए हूँ क्योंकि नहीं यार, मजाक कर रहा था। मैं अकेला इसलिए हूँ क्योंकि रवि भाई के चल रहे हैं एग्जाम्स। उसकी हालत कुछ ऐसी हुई हुई है जैसे हाँ वैसे। और विकेश भाई भाभी के साथ बिजी है, तो मैं थोड़ा अकेला अकेला अभी वीडियोस बना रहा हूँ। तो चलो हम दीवार पेंट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ये वाली दीवार अपने को पेंट करनी है, तो सबसे पहले इसमें से ये फोटोज हटानी पड़ेंगी। ये है अपने कप्तान अमेरिका की फोटो, इनका ये सीन देख के। थिएटर में लड़कियों ने बहुत चीखें मारी थी, स्मार्ट लड़के हैं ये अपने। ये है अपना जॉन स्नो, जिसको कुछ नहीं पता। You know nothing, Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. I know your people are brave, no one denies that. You know nothing. Six times. You know nothing, Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. हाँ सच्ची भाई इसको, पर यार बंदा वो सही है, दिल का बहुत अच्छा है। और ये मेरी जान है यार। तो बात ऐसी है कि मैंने अवेंजर्स देखी थी और अवेंजर्स से मैं ब्लैक विडो का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। और ये अपना जहान है यार। कई लोग भूल जाएंगे अवेंजर्स एंड गेम जैसी भी कभी कोई मूवी हुआ करती थी, बट नॉट अस। इनको मैं प्यार से उतारना चाहता हूँ, तो चलो सबसे पहले इन्हें प्यार से उतारते हैं। तो अब ये फोटोज किसी और दीवार पे शिफ्ट कर देंगे, पर यार ये देखो, ये डबल टेप से लगाने का यही घाटा होता है। ये सब भी अब साफ करना पड़ेगा, तो चलो फिर अपन करते हैं ये सब भी साफ। प्लेन तो हो गई है, पर बार का अजीब हाल हो गया। तो यार तभी कहते हैं कि डबल टेप ना यूज कर अगर हो जाए तो। देखते हैं अभी इसका क्या करना है, यूट्यूब पे चेक करते हैं। इसे कोलगेट से भरना है। ओ नहीं है, YouTube ट्यूटोरियल्स पे नहीं जाते हैं हर बारी, बाकी करते हैं इसका कुछ। मेरे को स्टोर रूम में ये दो चीज़ें मिली है, पर इसको यूज़ करना नहीं आता, तो देखते हैं फिर क्या करना है इसका। यार अगर आप सोच रहे हो कि मैंने घर पे चश्मे क्यों पहने हैं, मैंने घर पे चश्मे इसलिए पहने हैं क्योंकि मैं चश्मों में कूल लगता हूँ। नहीं चलो ठीक है फिर। तो बाकी करते हैं यार, पट्टी पुट्टी का कुछ करते हैं यहाँ पे हम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिदम्स ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले इसको एक गंदे से बर्तन में डाल लीजिए, जितना आपका मन है डाल लीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ा पानी भर के आप इसमें इसका भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स याद रखिए, हमें इसे गाढ़ा करना है, तो गाढ़ा करने के लिए हम और मिलाएंगे।
और फिर मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स याद रखिए, आपको तब तक मिलाना है जब तक पूरा गाढ़ा ना हो जाए। अब ये गाढ़ा हो गया है, हैव अ क्लोजर लुक। तो अब इसको हम दीवार पे अप्लाई करेंगे। कर तो दिया हमने दीवार सही, पर यहाँ पे गंद बहुत पड़ गया। तो न्यूज़पेपर बिछाना चाहिए था यहाँ सारा, पर अब बिछा देते हैं। चलो, तो ये है अपना ग्रीन कलर, एंशिएंट पेंट्स का है। तो एंशिएंट पेंट्स ने ये वीडियो स्पॉन्सर तो नहीं किया, पर अगर आपने स्पॉन्सर करनी है तो मोस्ट वेलकम। अगर किसी ने भी कोई भी वीडियो स्पॉन्सर करनी है तो बाकी ये वाला ब्रश हम यूज़ करेंगे, घर पे मेरे पड़ा हुआ था पहले से ही, बाकी बड़ा है थोड़ा। ये वाला यूज़ करेंगे हम, ये छोटा ब्रश है। तो चलो फिर शुरू करते हैं, कवर कर लेते हैं। ये कॉमिक है, ये बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये है अपना पेंट, इसको हम इस बाल्टी में डालेंगे। सबसे पहले हम इस पेंट को डालेंगे इसके अंदर। तो शुरू तो कर दिया है, ऊपर से गर्मी में किया तो बहुत गर्मी लग रही है, पर यार ये कलर कितना कैट नहीं लग रहा। अब मेरे को कुछ पता नहीं है, इसलिए मैंने बीच में से स्टार्ट कर दिया, नहीं तो साइडों से स्टार्ट करते हैं। पर यार ग्रीन कलर ना बहुत सुंदर कलर होता है। चलो और कलर मिलाते हैं। और हे गाइस, तो गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, पर अपन कर लेंगे आज की डेट में सारा। तो अभी थोड़ा थक गया हूँ मैं, क्योंकि पंखा वगैरह भी नहीं चलाया हुआ है, साथ में सूख जाता है ना। अब ये भी कहीं शेड डार्क आ रहा है, कहीं लाइट आ रहा है, अब ये पता चलेगा फिर सूखने के बाद। फिर कर देंगे एक आधी और कोटिंग कर देंगे। तो अभी थोड़ी मैं ब्रेक लेके खा रहा हूँ द ओनली एप्पल दैट आई कैन अफोर्ड। तो अभी ब्रश और मेरा हाथ थोड़ा गंदा हो गया, तो थोड़ा धो के आते हैं, तब तक करते हैं फिर बाद में कंटिन्यू। पेंट करना बहुत कूल चीज़ है, तो थोड़े कूल तरीके से करते हैं। मैं उन लोंडों में से हूँ जिनको लगता है चश्मा डालने से टोर बनती है, अपना स्वैग बढ़ता है। होल तो सारी हो गई है पेंट, अभी लाइट हुई है, मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है कैसी पेंट हुई है। ऊपर से मैच करना है अभी, बाकी नीचे से पहले मैच कर लेते हैं अभी। यार
ये साफ करना पड़ेगा नहीं तो मम्मी मारेगी। ये हुआ है पेंट, साइड से तो थोड़ी गड़बड़ है पर चलो ये बाद में देख लेंगे। पर मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं ज़्यादा डार्क हो गया, कहीं लाइट हो गया, ऊपर का तो अभी वही बैलेंस करना है। तो अभी बजे है 8:45 और मैं 5:30 पे चला गया था, कोई मेरे को काम था। साइड का तो ऐसे किया हुआ है, साफ पता चल रहा है कि खुद गया। आए हाय ये क्या होगा। एक तो यार वॉल्स भी वाइट वाइट है ना, तो अगर ब्लैक वॉल होती ना फिर भी छुप जाता, पर ये बिल्कुल मतलब उभर के आ रहा है। बैक टू माई ड्रेस, तो चलो ऊपर का पेंट करते हैं। कुछ पेंट ही रह गया, ये देखो मैं दिखाता हूँ, आखिरी का कुछ पेट्रोल कह रहा हूँ पेंट रह गया। तो आई होप सो कि इतने से पेंट से काम हो जाए, और नहीं तो यार देसी तरीके भी है अपने, जुगाड़ बहुत है। डबल कोटिंग करने के लिए तो हम तैयार है। वैसे पहले क्या कहते हैं, लाइट कलर कोटिंग होती है फिर डार्क कलर कोटिंग होती है। हम भी गलती वाइट होल थी, मेरे को लगा पहली बार में ही चढ़ जाएगी, बाकी फिर अभी नीचे का मेरे ख्याल से सूख गया है, पर ऊपर का अभी इतना नहीं सूखा। तो एक्चुअली पता क्या, स्टोरूम चलते हैं, कोई देसी जुगाड़ अपने को मिल जाएगा। अभी मुझे श्योर नहीं है कि मैंने क्या किया है, काम सही किया है डबल कोटिंग करके कहीं कहीं जगहों पे या ज़्यादा बढ़ा दिया, ये तो अभी ये सूखने के बाद ही पता चलेगा। और पेंट भी ख़त्म हो गया, पर अगर दूर से शॉट लोगे ना, ये बस सूखने दे, पेंट सूख जाए एक बारी, पर अगर दूर से शॉट देखोगे ना तो वर्थ इट है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे ₹250 वसूल हो गए। बाकी ये चेक करो, इसमें पेंट डाल के मैंने किया था सारा। मेरे को ना इसको देख के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी बड़े आर्टिस्ट को अपने पैलेट पे देख के फीलिंग नहीं आती। चलो फिर अब ये होती क्या है ग्रीन स्क्रीन वगैरह, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पर पहले क्या कहते हैं, हाथ वगैरह धोऊं, बहुत गंदे हो गया, थोड़ा मुँह हाथ धो के ये टी शर्ट चेंज करके आऊँ नॉर्मल क्लोथ्स में। आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन स्क्रीन क्या है यार, तो ग्रीन स्क्रीन पे आप पीछे का सारा बैकग्राउंड उठा सकते हैं, जैसे हाँ वैसे उठा सकते हो आप बैकग्राउंड, मतलब कट करके पीछे का बैकग्राउंड, इसको कहते हैं कलर क्रॉप। ग्रीन स्क्रीन को मूवीज स्पेशली हॉलीवुड में ऐसी ज़्यादा मूवीज बनती है, तो हॉलीवुड में और बॉलीवुड में भी काफ़ी ऐसी मूवीज बनती है। हॉलीवुड में आप एग्जांपल ले लो, अभी लेटेस्ट आई है अपनी एंड गेम, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं 3 बारी देख के आया था। तो हॉलीवुड में आई है अपनी एंड गेम, उसके मैं आपको कुछ सीन्स दिखाता हूँ। तो मतलब ये चीज़ है ग्रीन स्क्रीन, अपने पास तो छोटी सी बन गई है अपनी, बाकी कईयों के पास तो पूरे पूरे स्टूडियो होते हैं बड़े बड़े। पंजाबी गानों में बहुत यूज़ होती है ग्रीन स्क्रीन, क्योंकि अपन दिखाते हैं ना कि जब वाइट बैकग्राउंड और यह जट दे रहा, बाकी अपने पास भी आ गई है ग्रीन स्क्रीन।
अपने पास भी ग्रीन स्क्रीन आ गई, अपन भी कुछ करेंगे अपनी पब्लिक के लिए, अपनी जनता के लिए, तब तक के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो यार वाह यार, बड़े सच्चे सपोर्टर हो। अगर आप इतने सच्चे सपोर्टर हो तो मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। सच्ची यार, मतलब इतने प्यारे लोगों को आप कहाँ पे जाओगे यार, आप जैसे व्यूअर्स मुझे कहाँ मिलेंगे। ओके एनीवेज, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो लाइक करके जाना तो बनता ही है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सब्सक्राइब हो जाए चैनल, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब अगली वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, इसलिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। बाकी